नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर राजमहल लोकसभा क्षेत्र से नामांकन के पहले दिन नामांकन पर्चा दाखिल करने से संबंधित है। राजमहल लोकसभा क्षेत्र से नामांकन के पहले दिन मंगलवार को अधिसूचना जारी होने के बाद पहला नामांकन झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने बतौर निर्दलीय पर्चा दाखिल किया है। लोबिन हेम्ब्रम जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी 01 राजमहल लोकसभा क्षेत्र हेमंत सती के समक्ष एक सेट में नामांकन पर्चा दाखिल किया। लोबिन हेम्ब्रम ने नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद जनसभा का आयोजन किया, जिसमें अपने ही पार्टी के उम्मीदवार विजय कुमार हांसदा एवं पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने जनसभा के दौरान कहा कि उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने विचारों से दूर हो चुकी है। जल जंगल जमीन की लड़ाई का दावा करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा अब बाहरी लोगों के हाथ में चला गया है। उनके इशारे पर सरकार चलाई जा रही है, जिसके चलते आज हेमंत सोरेन जेल में है। सरकार को डमी सीएम पिंटू और पंकज चलाते हैं, इसमें आदिवासियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के मैनिफेस्टो में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, सीएनटी एक्ट एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू करने की बात कही गई थी, खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार बनने के बाद ऐसा नहीं हो सका और यहाँ की खनिज संपदा को बाहरी लोगों के इशारों पर लूटा जाने लगा, जिसका विरोध उन्होंने सदन से सड़क तक किया, लेकिन उन्हें पार्टी विरोधी बताकर उनके ही खिलाफ लोगों ने भ्रम फैलाया। विजय हांसदा का खुलेआम लोगों ने विरोध किया, फिर भी उन्हें राजमहल लोकसभा से टिकट देकर पार्टी के लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को नुकसान करने का प्रयास किया है, जिसका भरपाई वे कर रहे हैं। वह निर्दलीय लड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीट को बचाकर पार्टी को सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि वह शिबू सोरेन के ओरिजिनल चेले हैं, उनके हृदय में शिबू सोरेन बसते हैं और शिबू सोरेन के हृदय में वे बसते हैं। जनसभा में राजमहल लोकसभा क्षेत्र के लगभग सभी क्षेत्रों से कार्यकर्ता पहुंचे थे। जनसभा का आयोजन एग्रीकल्चर कार्यालय के समीप किया गया था। रिपोर्ट प्रवीण कुमार, स्टार अभी तक। ये राज मिला, ये दो चीज मिला। बिहार में थे आंदोलन में कितने लोग शहीद हुए, तिलोहर को दहेना, तिलोहर की राज मिलने के बाद यहाँ के आदिवासी और मूलवासी अभी तक अपना अधिकार नहीं मिला और बहुत दिनों का सबसे पहले मुख्यमंत्री बना बाबूलाल मरांडी, इसके बाद मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन से दो महीना लगी, हेमंत सोरेन उन्हीं थोड़ा दिन लगी। मैं खान 2019 का चुनाव में 2019 में वोट रहे, हम सत्ता दिया, हम लोगों ने सत्ता खड़ा किया, हम लोगों ने मुख्यमंत्री को बनाया, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बनाया। क्यों बनाया? इतना एमएलए हम लोगों ने बनाया, हमको भी आप लोगों ने बनाया। बोले विधानसभा से एमएलए बनाओ के हुआ और मुख्यमंत्री भी बना हमारा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य का, दुर्भाग्य है इस राज्य का, नगर राज्य दुर्भाग्य किया जो यहां का खनिज संपदा लुटाते रहा। आज जो जो मुख्यमंत्री बना जेल गया, मधुपुरा भी गया और अभी हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन भी जेल के अंदर में दुर्भाग्य है। और यहां का आईएएस आईपीएस जो प्रशासनिक अधिकारी वो भी जेल में, छवि रंजन डीसी जेल में, जो होटल बनाए थे केवल पूजा से आइए सब सर, उन्हीं हो जेल में। क्या झारखंड लुटा रहा है? लुटा रहा है झारखंड। और ये हेमंत सोरेन के बाद यहां का लोकसभा सांसद विजय हस्ता, बहुत लोग हम घूमे थे तो बहुत लोगों ने कहा कि विजय हस्ता आया भी नहीं था, बाहे बिना विजय हस्ता इन्होंने वोट दिया, बहुत प्रभाव बिगड़ गए थे। प्राणपुर प्यारपुर उगल भी गए, बोले कि दूसरे का में हम तो आया नहीं वोट मांगने के लिए, लेकिन हम लोगों ने वोट दिया। लेकिन आज विजय हस्ता कहां है, क्यों नहीं
पसंद करता है चिटा जिसे मोहर बात में खुशी है कि विजय हंसता अगर विजय हंसता पर खुशी है खा अगर आप विजय हंसता को चाहते मोदी हमरों को आने का कोई जरूरत नहीं। बहुत रमन हम से फोन के दो साल पहले से हमको पूछा एक विपय का फेरा दाता आप क्या कर रहे हैं आप मुंह तो खोलिए या चिटा फिर करा जिसे बोलोगे मैं तो फोन ना करा हमको बोलना पड़ा और यही विजय हंसदा अभी हमको बोलता है लोकी हेमराम वोट कटवा हम बोलते हैं विजय हंसदा को नोट किनवा नोट किनवा। अरे एमपी भी रहोगे और सांसद भी रहोगे नौका तो बंद हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो आज बहुत लोग बोला अभी भी मीडिया वाला हमको पूछा मीडिया वाले पर खुले की भेजा राम लिखा की निर्दलीय को चबरा लिखा रहे करा उन्हीं को पार्टी खुद पहुंचा दी करा आप पहुंचो दिया। अरे मीडिया वाला ने बोला कि चबरा लिखा जो अभी आपके तरफ प्रत्याशी है निर्दलीय पार्टी से निकाल देगा हम बोला पार्टी से नहीं निकलेगा माटी से नहीं निकल सकता। और शिबू सोरेन के दिल से नहीं निकल सकता और मैं भी शिबू सोरेन के दिल से निकल नहीं सकता। तो अभी नंखोर मिनाफिया उधवारे है लिखा नूना भी और घटक को मार दिया विजय हंसदा नहीं चाहिए यहां चेहरा बदलना चाहिए और घटक लेन किना कांग्रेस लेन को मीटिंग किना जेरे गठबंधन अले बना लिया कांग्रेस मैं बोलता हूं लोपी ढाकर मैनेज होने वाला आदमी नहीं है इतना दे सब लोपी ढाकर है क्या हम ठेकेदार है कि हम सब मैनेज कर लेगा कोई ठेकेदार क्या बात नहीं। आज यहां पर एक भी स्कूल बढ़िया नहीं ये दियारा इलाका में कितना गांव गंगा में बह गया कितना गांव बह गया अभी भी बहने रहा है। दियारा के लोग रात में नहीं सोते बरसात के टाइम में डर है कहीं गंगा सोए से यहां पर गांव पे बह न जाए लेकिन आज तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विजय हंसदा ने एक भी सवाल नहीं किया। और अभी अभी एक नेत्री आई है आप लोग नाम समझते होंगे कि बोला कि केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रहा है। मैं कहता हूं विजय हंसदा यहां के लोगों के साथ वो बोलने वाला कौन है क्यों नहीं उसका पूछते हो कि विजय हंसदा यहां के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है।